गया है वो 13 पॉइंट रोस्टर पर है। चूंकि 13 पॉइंट रोस्टर अपने आप में बहुत कठिन शब्द है, भारत एक ऐसा देश है जो आज तक जातिवाद, छुआछूत, मनुवाद का मतलब नहीं समझ पाया है, लेकिन हमारे बीच में सूरज मंडल, रतनलाल जैसे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब गांव गांव हर बच्चे के जबान तक पहुंचाया। एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 5 मार्च 2018 को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइन के तहत यूजीसी ने कहा नाउ रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट, एजुकेशन एज ए यूनिट, बट रिजर्वेशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें दैट डिपार्टमेंट शैल बी ट्रीटेड एज ए यूनिट। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 100 प्रोफेसर की वैकेंसी आई होगी, तो जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला था वो 100 पॉइंट रोस्टर का था, कि ये था कि वो 100 सीट को एक यूनिट मान के रिजर्वेशन दिया जाएगा जहां पर हमारे समाज का प्राथमिक प्रतिनिधित्व हो सकता था। लेकिन यूजीसी के इस मनुवादी फरमान ने क्या कर दिया, 13 पॉइंट रोस्टर का जो एक पूरा फॉर्मूला तैयार किया, सीधे शब्दों में कहूं तो आदिवासियों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है, एससी/एसटी के लोगों को रोका गया है, ओबीसी के हक अधिकार को रोका गया है। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो मेरा मतलब यह है कि यूजीसी ने ये जो 13 पॉइंट रोस्टर जारी किया है, ये दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर नहीं बल्कि बहुजन आरक्षण की तिरामी है। और अगर हम सब में चेतना है, हम सब में बाबा साहब का खून है, हम सब में रोहित मुंडा की विरासत धरती पर जिंदा है, तो हम सब एक कसम खाते हैं कि भले जो पकौड़ा तले को रोजगार बनाया करते थे उनकी चटनी बना करके रहेंगे, मजा सब आएगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर 13 पॉइंट रोस्टर के द्वारा वो लोग बहुजन आरक्षण की तिरामी करते हैं तो क्या हम लोग 200 पॉइंट रोस्टर की डिमांड करें और 200 पॉइंट रोस्टर की डिमांड के द्वारा इस इतनी बड़ी आंदोलन पैदा करें, इस बहुवादी हुकूमत की तिरामी पैदा करते हैं, उसकी तिरामी करते हैं। साथियों एक बहुत विषय यह रखा गया है कि 13 पॉइंट रोस्टर से नुकसान क्या होगा, बहुत ज्यादा गहराई में बात प्रोफेसर रतनलाल सर कहेंगे, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं 13 पॉइंट आरक्षण का मतलब यह है कि बहुजन कैंडिडेट्स आर नॉट गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। आगामी 100 साल तक हमारे समाज के प्रोफेसर नहीं बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। अब सवाल एक नया पैदा हो सकता है कि वह प्रोफेसर के आरक्षण में हमें इतनी समस्या क्यों, इस चीज को समझिएगा। दरअसल अंबेडकरिज्म का जो पूरा मोमेंट लीड कर रहा है वो एलिट और इंटेलेक्चुअल क्लास लीड कर रहा है आज के दौर में, तो जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो मैं छात्र चुनाव का बना था तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी, इस मुल्क में जो इतिहास लिखा गया है वो कलम और स्याही से नहीं बल्कि हमारे आपके खून पसीने से लिखा गया है। इस मुल्क में जो पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं है, इस मुल्क में जो लिखा गया है वो इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास तो है, इतिहास पर चीज है जो हमने झेल रहा है, इस मुल्क के सिलेबस में उसे ना पढ़ाया गया है ना लिखाया गया है। रिसर्च के सिलेबस में बाबा साहब अंबेडकर जो का भोले वाले सिंह यादव के समुदाय कहां है, टाटा भीम कहां है, महात्मा गांधी कहां है, नहीं लिखाई दी। क्यों? क्योंकि रिसर्च में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज पिछले 10 साल में तमाम यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो बहुजन महापुरुषों पर, बहुजन विषयों पर शोध करना शुरू किए हैं। शायद यही वजह है हमारे समाज के तमाम लोग ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने यह भी करना शुरू किया कि ठीक है, शुरू कास्ट ट्राइब का शोषण हुआ है, पैकवर्ड का शोषण हुआ है, उस पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण इतना अधिकारी इतना शोषक इतना क्रूर कैसे हो चुका है, एक बार उस पर भी रिसर्च होना चाहिए। यह इसलिए हो रहा था पिछले 10 सालों में हमारे समाज के लोगों में जबरदस्त जागरूकता आई है, इसीलिए हमारे समाज के लोग लड़ाई सिंह यादव पर रिसर्च न करें, हमारे समाज के लोग बाबू जगदेव कुशवाहा पर रिसर्च न करें, हमारे समाज के लोग टंटा भील
I'm not fighting just for social justice. I'm fighting for social transformation. Because social justice is given on the person in power. हम केवल सामाजिक न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ने का पहला कदम सामाजिक न्याय है। इसलिए सबसे पहले हमको सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय कहाँ से आती है? सामाजिक न्याय भागीदारी से आती है। मान लीजिए कि एक इंसान हो, उसका चार बेटा हो, उसकी चार बीघे की जमीन है, बड़ा लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत मेरिट लो ये काबिल हो, तो क्या जमीन का बंटवारा जो है, जो लड़का इंजीनियर है उसको पूरा दे दिया जाएगा? नहीं। अगर चार बीघे जमीन है तो चारों को अनुपात में उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन चार वर्ग बनाएंगे इस मुल्क में, और चार वर्ग में तीन वर्ग के लोग ऐसे निकले जो चौथे वर्ग को खत्म करने का काम किए, और न खत्म करने का काम किए बल्कि हमारे समाज की सोच को, हमारे जमीन को, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म करने का काम किया। और अगर हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा। सुरहिमुल्ला पार पार कहते हैं, माय बर्थ इज एन एक्सीडेंटल बर्थ, आई वांटेड टू असाइन राइट बट राइट नाउ टू टेक राइट टू द साइट। मेरा जन्म अपने आप एक दुर्घटना है। दुर्घटना इसलिए है कि जब आप ट्रेन में बैठेंगे तो लोग पूछेंगे भैया नाम क्या है, बताएंगे सूर्य, कहेंगे पूरा नाम बताओ। जब पूरा नाम पूछेंगे तो पता चलेगा सूरज कुमार चमार है, सूरज कुमार पासी है, सूरज कुमार धोबी दैका। जब जानेंगे सूरज कुमार चमार पासी धोबी दैका है, तो आप कितनी गड़िया है, उसके बाद आपका स्टेटस तय करेंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करने का पूरा पैमाना शुरू करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, इफ यू वांट टू एंड द कास्ट यू हैव टू स्टार्ट अ मोमेंट, यू हैव टू स्टार्ट अ मोमेंट टू बर्न द होल रिलीजियस सिस्टम ऑन विच द कास्ट सिस्टम इज फाउंडेड। अगर आपको जातिवाद खत्म करना है भैया, उसकी खड़ी संरचना को चोट करना होगा, जिन्होंने जाति को जन्म दिया है, जिन्होंने जाति को आगे बढ़ाया है। तो दरअसल अगर हम लोग जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमारे समाज पर शोध होना जरूरी है, और अगर हमारे समाज पर शोध होगा ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब हमारे समाज के प्रोफेसर होंगे, हमारे समाज के रिसर्चर होंगे, हमारे समाज के स्कॉलर्स होंगे। मैंने लेवल की पढ़ाई किया, मैं भी सोचता था कि मैं जियारत करूंगा, और मैं सोच रहा हूं कि जियारत करके मैं क्या करूंगा। जब हम लोग चाह ही नहीं पाएंगे, प्रोफेसर बन ही नहीं पाएंगे, तो हम जियारत करके क्या करेंगे, अचार छीलेंगे। मैंने एलएलबी किया, मैंने सोचा मैं कानून में जाऊंगा और भैया बढ़िया सब वकालत करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि समाज में 10 डॉक्टर की इंजीनियर की वकील पैदा हो जाए तो समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। लेकिन आज लाखों डॉक्टर बने हैं, लाखों इंजीनियर बने हैं, हजारों वकील बने के घूम रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का जो दमन है, शोषण है, उत्पीड़न नहीं उठा रहा है। बच्ची का बलात्कार होगा, आसमगढ़ में प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर से आसमगढ़ के एसडीएम से बात कौन करता है। इसलिए हमको अभी सुशील सम्राट भाई की बात हो रही थी, तो एक बात करें, हमको वकीलों के लिए जेल बनानी पड़ेगी, वकीलों की श्रृंखला बनानी पड़ेगी, क्योंकि मान सम्मान सम्मान के खातिर हमारे समाज के लोग लड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जेल में ठूक दिया जाता है। हमारे विधानसभा मछली शहर में ठाकुरपुर एक गाँव है, आप लोगों ने खूब अवसर पड़ा होगा, हमारे समाज के लोगों पर खूब अत्याचार हुआ, लेकिन हमारे समाज के जब क्रांतिकारी युवा साथी थे उन्होंने उत्तर जवाब दिया। ब्राह्मणों की ब्राह्मणाई, ठाकुरों की ठाकुरई, पूरा बढ़िया से उनका वापस कर दिया, उनका जुफा नहीं उनके होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दरअसल जब आप ब्राह्मण से लड़ते हैं ना, दरअसल आप ठाकुरई से लड़ते हैं ना, तो मत भूलिए कि आप ब्राह्मण ठाकुर से लड़ रहे हैं। सच्चाई है कि आप उसमें सरकार से लड़ रहे हैं, सच्चाई है आप उसमें केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, और यह उससे बड़ी सच्चाई कि आप उसमें सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल का बयान देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 10 लाख के ऐसे आदिवासी हैं जिनको अपनी जमीन छीनी जाए, मतलब वापस करना पड़ेगा। वो जमीन किसको दिया जाएगा? अंधानी अंबानी और पूंजीपतियों को। अंधानी अंबानी का विकास, देश का विकास कैसे कहा जा सकता है, ये बात हमको सोचने की जरूरत है। इसी सिंगूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था, वी कैन नॉट ट्रीट अ पर्सन पर्टिकुलर डेवलपमेंट, अ पर्सन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज अ नेशन डेवलपमेंट। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कहां मर गई है? अरे भैया, इस शहर के एक कॉलोनी में जब बढ़ते बढ़ते लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है बनाई भले अवैध तरीके से है, लेकिन जीवन यापन का सवाल है, उनको हटाया नहीं जा सकता। कहां गया आर्टिकल 21 उस आदिवासी भाइयों के लिए जिनको आप आराम से कभी नक्सली को बता करके मार देंगे, उसको आराम से आप कभी माओवादी बता करके मार देंगे?
इसलिए हमको सोचने की जरूरत है, हम क्राइट इस मोमेंट में शायद कहीं कहीं हमको लगता है कि हमारे आदिवासी भाइयों का आंदोलन कहीं कहीं शायद मजबूती से नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक बार उसके दर्द को भी सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अदालत जब अपनी बयान दे रही थी, अदालत अपनी धार दिखा रही थी, तो मैं इस धारा के साथ मैं बात खत्म करना चाहूंगा। एक आदिवासी था और एक आदिवासी की जमीन, एक सामंती किस्म का आदमी था, उसने पूरा जमीन उसका हड़प लिया। तो आदिवासी बेचारा निरीह एकदम निर्मम बेचारा उस निर्मम हुकूमत के सामने जब लड़ रहा है तो अदालत के सामने जाता है, तो अदालत इंसाफ अदालत से इंसाफ की गुहार करता है, तो अदालत उसमें फैसला सुनाता है कि जो जमीन छीनी गई है, चूंकि तुम्हारे पुरखे भले हजारों साल से वहां पर रह रहे हो लेकिन जमीन तुम्हारे नाम से पट्टा नहीं किया गया है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में जमीन तुम्हारे नाम रजिस्टर नहीं है, इसलिए जमीन तुम्हारी नहीं। तो दूसरे दिन वह आदिवासी एक झोला लेकर के फिर अदालत के सामने जाता है और कहता है साहब हमको इंसाफ चाहिए। तो जज साहब कहते हैं फैसला तो हमने कल ही सुना दिया था, कह रहा दरअसल आपने फैसला सुनाया था लेकिन वह इंसाफ नहीं, जमीन पर स्थापित करना चाहते हैं तो संविधान को बचाने की जरूरत होगी, और मेरी नजर में इसमें तीन चीज ऐसे हैं जो भारतीय संविधान पर खुला हमला कर रहे हैं। फर्स्ट इज एवियम, सेकंड इज 10% समर रिजर्वेशन, थर्ड इज 30-point roster। वी हैव टू स्टार्ट अ मोमेंट अगेंस्ट दी आर रास्कल लॉ, रास्कल इंस्टीट्यूट। जब तक हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम जमीन पर आंदोलन नहीं स्थापित कर पाएंगे। एक बार मैं फिर आप सबसे कहूंगा कि हाँ एक कसम खाइएगा कि बलोच जो पकौड़ा तलने को रोजगार बताए करते थे, 2019 के चुनाव में महागठबंधन बहुजन गठबंधन मजबूत गठबंधन बना करके उनकी चटनी जरूर उनको चटनी जरूर खिलाइएगा। अपनी एक कविता के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बिरसा मुंडा का एक नारा था अगुआदी राज उल गुलाम जिंदाबाद, उल गुलाम मतलब क्रांति कर, तो मैं उल गुलाम लाएंगे हम इंकलाब लाएंगे, उस कविता के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चूंकि शहीदों की शहादत पर सियासत खूब हो रही है लेकिन हम ऐसे हुकूमत से नैतिकता की अपेक्षा क्या कर सकते हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन पर लगवा सकता है, शहीदों की लाश पर राजनीति क्यों नहीं खेलेगा। तो उसी बिंदु पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। उल गुलाम लाएंगे हम इंकलाब लाएंगे, नमन उस महापुरुष को जिसने हम गुलामों को सिखाया कि शक्ल होती है इंसानों में भी इंसान की, नमन उस महापुरुष को जिसने हम गुलामों को सिखाया कि शक्ल होती है इंसानों में भी इंसान की, उठो और पहचानो अपने शक्ल को, सरेआम कर दो इन भूत शक्ल को, सरेआम कर दो इन भूत शक्ल वाले इंसानों में छिपी हुई वर्ण व्यवस्था। हमारा शत्रु सदैव भाग्य रखता है, दिमाग में भी दिमाग रखता है, हमारा शत्रु सदैव भाग्य रखता है, दिमाग में भी दिमाग रखता है, वह दम्भ भरा करता है तुम्हारी लड़ाई लड़ने को, वह दम्भ भरा करता है तुम्हारी लड़ाई लड़ने को, लेकिन तुम पर अत्याचार के विचार तुम्हारी माँ बहनों का ब्लड का नहीं छोड़ेगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा। जल जंगल जीवन तन मन, जल जंगल जीवन तन मन सभी पर कब्जेदार है समर, खाने को रोटी नहीं है रहने को घर नहीं है, समाज भूख से तड़प रहा है, लूट रही है बहनों की जिस्म और आप भाग भ्रम विधाता भारत माता में लिपटे रहो, और आप भाग भ्रम विधाता भारत माँ में लिपटे रहो, इन नारों से अपना पेट भरते रहो, उधर वह तुम्हारे खून पर अपनी हवेली खड़ी करके तुम्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, उधर वह तुम्हारे खून पर अपनी हवेली खड़ी करके तुम्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, और तुम पढ़ते भी रहना तुलसीदास दुबे का इतिहास, और तुम पढ़ते भी रहना तुलसीदास दुबे का इतिहास, मगर हम जो संविधान पढ़ेंगे कलम से नवीन मुकाम
काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई के भी साथ जाएंगे, उन गुलाम लाएंगे, हम इंकलाब लाएंगे। जय हिंद।